अच्छा मैंने आपसे कहा था कि कंट्रोलर हमारे पास, ये कंट्रोलर ओपन हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर है ये, मॉडल के अंदर से कॉन्टैक्ट मॉडल है, ठीक है, ये ओपन हो गया। और हमें जो ओपन करना है वो एक चीज और ओपन करनी है, वो हमारे पास है ये, ठीक है, एक ये वाला टेबल ओपन करना है और फिर राउट में आके वैप डॉट पीएचपी ओपन करना है। ये चार चीजें ओपन करनी है, एक मॉडल से, कंट्रोलर से, माइग्रेशन से और वैप डॉट पीएचपी। अच्छा यहां पर सबसे पहले मैं डेटाबेस क्रिएट कर रही हूं, तो डेटाबेस की चीजें पहले हम करेंगे, ठीक है। यहां मैंने आईडी लिखी, सेम इस चीज को मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैंने यहां पे पेस्ट करा और मेरे पास अब डेटा टाइप है स्ट्रिंग। क्या है स्ट्रिंग में मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो नेम है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास है यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे पास बना हुआ है ईमेल, नाम, ईमेल और मैसेज। तो ये भी मेरे पास क्या है, वाचार है, मैसेज, ठीक है। यहां मैंने लगा दिया टर्मिनेटर। इस फाइल को मैंने अभी सेव नहीं करा है, ठीक है, एरर दिखाना, इसलिए ये मैंने लिख लिया है लेकिन फाइल सेव नहीं करी है। यहां मैंने कंट्रोल सी करा है और यहां पर पीएचपी के बाद मैंने आर्टिसन लिखा। जब हम डेटाबेस का मैंने अगर टेबल बना लिया है और मैं उसको माइग्रेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे होता है माइग्रेट, मैंने लिखा है यहाँ माइग्रेट, यारह होगा, माइग्रेशन हो गई, टेबल बन गया, सब कुछ बन गया, माइग्रेट लिखा मैंने इधर, ठीक है, ये लिखा माइग्रेट। इसने बोला कि प्रिपेयर किया, उसने डेटाबेस से कनेक्ट करा और इसने दो टेबल माइग्रेट करे, एक कॉन्टेक्ट का भी टेबल माइग्रेट करा है, लेकिन जो कॉन्टेक्ट का टेबल, क्योंकि मैंने वो फाइल सेव नहीं करी थी, नहीं करी थी ना, टेबल तो बना है लेकिन उसके कॉलम्स नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ रहे, ठीक है। कभी ऐसा हो जाता है कि आप सेव करना भूल जाते हो और आपने डायरेक्टली माइग्रेट की कमांड चला दी। तो अब मुझे यहां पे क्या करना है, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट और इसके साथ मैं करूंगी फ्रेश। क्या करूंगी फ्रेश, फ्रेश में होता है ये कि पुराने जितने टेबल है सब डिलीट कर दो, नए सिरे से सब चीजें चला दो, समझ में आई बात। तो इसमें होता ये है कि आपका इंसर्ट हुआ हुआ रिकॉर्ड सारा चला जाएगा, टेबल क्या हो जाएगा, वापस नया बन के बिल्कुल न्यू हो जाए, समझ में आ रही है बात, सब आएगा, ठीक है। अब मैंने कर दिया फ्रेश, दोबारा चला, ड्रॉप हुए सारे टेबल, वापस क्रिएट हुए, ठीक है। अब आओ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे वो सारे वापस बन चुके होंगे। अच्छा मैंने अभी भी इसको वो करा नहीं है, सेव नहीं करा, कंट्रोल एस, अब मैंने कंट्रोल एस करा और यहाँ आकर वापस इसको फ्रेश करा और अब मैं इसको वापस रिफ्रेश करूंगी यहाँ से, तो मेरे पास अब ये बन चुके हैं, सही है, ये क्रिएटेड एंड अपडेटेड आ रहे हैं टाइम स्पैम की वजह से, इसकी वजह से आ रहे हैं, सही है। ये स्कीमा हम बेसिकली लिख रहे होते हैं हम कि हमें जो है फंक्शन अप है, जैसे ही आपके माइग्रेशन होता है फंक्शन अप होता है, स्कीमा का मतलब है कि हम टेबल क्रिएट करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो हमारा किस फॉर्मेट में, तो हम बेसिकली क्यूरी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि क्रिएट करना है, हमने क्रिएट का एक हमने ये राउंड ब्रैकेट लगाया ब्लू, इसके अंदर का टेबल का नाम ये है हमारे पास, फंक्शन में ब्लू प्रिंट टेबल का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ डिफाइन करें, जो वेरिएबल यहाँ लिया है वही वेरिएबल से मैं यहाँ पे इसको फॉलो करूंगी, ठीक है, जो वेरिएबल चेंज करूंगी उसी को फॉलो करूंगी यहाँ पे, समझ में आई बात। जो टेबल का यहाँ पे नाम होगा उसी के नाम से यहाँ पर टेबल क्रिएट होगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब टेबल तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है,
हो गया ना क्रिएट। अगर मेरे पास डाउन की कमांड चलेगी तो मेरे पास ड्रॉप इफ इज एग्जिट, यानी अगर मेरे पास ये ड्रॉप की कमांड चलाऊंगी तो वो डाउन से चलती है, और उसमें ये लिखा है कि अगर कॉन्टेक्ट का टेबल मौजूद है तो उसको क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, डिलीट कर दो। बात समझ में आई? कोई इशू? ठीक है, यहाँ पर मैंने PHP artisan fresh लिखा है, मैं कुछ भी लिखती हूँ तो मेरे पास उसी तरीके से चलता है। ठीक है, पहले आपने क्या करना होता है, माइग्रेट करना होता है, सही है, और अगर कोई चीज भूल जाओ तो वापस आप उसको फ्रेश कर सकते हो। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? इसके अंदर और कुछ नहीं करना इस माइग्रेशन के अंदर। अब बारी है आपके पास ये वाली, इधर ये जो मेरे पास मॉडल्स है ना, इधर इधर मॉडल्स में एक और मेरे पास मॉडल मौजूद है, ये यूजर का बाय डिफॉल्ट, ये यूजर का वो वाला है जो मैंने वहां से डिलीट करा था माइग्रेशन का, जो पहले बने हुए थे। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक फिलेबल वाला मेथड या कह सकते हो एक वेरिएबल टाइप का है, इसको मैंने कॉपी करना है यूजर वाला, इसको मैं अपने कॉन्टेक्ट के अंदर रखूंगी। यहाँ ये बेसिकली होता क्या है, ये आपकी कॉलम्स के वो नाम होते हैं जिनकी वैल्यूज आप पास करोगे। तो मेरे पास जो नाम है वो कौन कौन से हैं? देखो, नेम और ईमेल तो है, पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड नहीं है मेरे पास। पासवर्ड की जगह पर मेरे पास कॉलम का जो नाम मौजूद है, नेम, ईमेल, ये स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए, और क्या है, मैसेज। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मैसेज। ठीक है, सेव कर दिया, सही है, क्या कर दिया मैंने इसे, सेव कर दिया। ये वो कॉलम के नाम है जिनकी वैल्यूज आपने देनी है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आप नहीं देंगे। ठीक है, क्रेडिट डेट और अपडेटेड डेट बाय डिफॉल्ट वो खुद गेट करेगा, मैंने नहीं देना। वो खुद कैसे गेट करेगा, यहाँ आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये हमने जो दिया है टाइम स्पेंड, ये बाय डिफॉल्ट खुद इसकी वैल्यू ले लेगा। ठीक है ना, जब हम रिकॉर्ड इनसाइट करेंगे तो ये खुद पिक करेगा। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट है क्योंकि मैंने इंटीजर करके आईडी नहीं असाइन करी है, मैंने क्या लिखा था, टेबल डैश आईडी, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट खुद लग जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप वहां पर इसके अंदर अगर मैं इधर इंटीजर आईडी देती तो ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता। समझ गए? तो इस तरह लिखने में मेरे पास क्या होता है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये मेरे पास मॉडल के अंदर हो गया। ये जो नेम स्पेस आ रहा है नजर, इस नेम स्पेस को मैंने कॉपी करा क्योंकि जो इसका कंट्रोलर है, ठीक है, ये मेरे पास कनेक्ट होगा किससे, मॉडल से। क्यों कनेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं मॉडल के अंदर से कॉन्टेक्ट की क्लास उठाकर इसको चलाऊंगी, यानी इसको वैल्यू पास करूंगी। ठीक है, तो ही डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो अब मैंने वो नेम स्पेस उठाया तो मैंने यहां लिखा यूज और मैंने लिखा इस तरह, और मॉडल्स के बाद मेरी फाइल का जो नाम है वो क्या है, कॉन्टेक्ट, स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखे। ठीक है, इस तरह। बात समझ में आई? इधर आपके पास फंक्शन बनेगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, रिटर्न मैंने कराना है व्यू। कोटेशन में आ जाएगा मेरे पास कि मुझे क्या रिटर्न कराना है, मेरी फाइल का नाम क्या है, पेज का नाम क्या है। ये है ना कॉन्टेक्ट डॉट ब्लेड, मैं यहां क्या लिखूंगी, कॉन्टेक्ट, यानी व्यूज के अंदर जाओ और कौन सा पेज चलाना है, कॉन्टेक्ट का पेज चलाओ। ठीक है, लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ,
मसला ये है कि जो मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज चल रहा है वो तो ऐसे चल रहा है, राउट से चल रहा है, वो तो कंट्रोलर से जाके नहीं चला रहा ना इंडेक्स मेथड। इस वाले को मैं करूंगी कमेंट, और अब मैं यहां पे लिखूंगी, ठीक है, राउट, इधर देखना रिसोर्स होगा, ये आ रहा है राउट रिसोर्स, ये मैंने लिया। यहां पर मैं ये वाला स्लैश लगाऊंगी, ये आ रहा है जो मैंने ऊपर पहले पास पास करा था वो मैंने यहां रखा, और मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है वो नाम मैंने कहां पास करा, यहां पर। एक मसला और है, इस फाइल को कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में जाना है, सही है, तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा। अब इधर नेम स्पेस के लिए मेरे पास इसका नेम स्पेस ये क्या है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और फिर कहीं जाकर मैं इसका नाम डिफाइन करूंगी कि यहाँ पे जो मेरे पास नाम है वो क्या है, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, तो वो मैं कहाँ लगाऊंगी, इसके आगे कि भाई कंट्रोलर्स के फोल्डर में जाके कौन सा चलाना है, ये वाला चलेगा। इसको भी सेव कर दिया। अब ये सब चीजें अगर सेव हो चुकी हैं मेरे पास, तो मेरे पास जो ये वेब पेज है इसको मैं जब रिफ्रेश करूंगी, और एक मिनट, यहाँ से स्टॉप तो नहीं हो गया, स्टॉप हो गया, इसको मैंने सर्व करा, देन अगेन इधर आई और इधर रिफ्रेश करा कॉन्टेक्ट अस, तो पेज आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी चीज इधर 19-20 होगी, जैसे लेट सपोज कि अगर मैं ये ऐड करना भूल गई, ये ऐड करना भूल गई, मैं कमेंट लगा रही हूँ, ठीक है, सेव करा और रिफ्रेश करा, एरर दिखा रही हूँ तुम्हें, तो अब ये कहेगा टारगेट क्लास डजंट एग्जिस्ट, यानी जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या चीज हटाई थी, सिर्फ इसका नेम स्पेस हटाया, ठीक है, हो गया ये एग्जिस्ट, रिफ्रेश करा, आ गया। अच्छा, अब इधर से देखो, मैं अगर इसका सी क्या कर दूं, कैपिटल कर दूं, पेज का नाम मेरा तो स्मॉल से है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, समझ में आई बात, स्मॉल, चलो सही है, अभी आगे क्यूरी लिखेंगे तो जाएगी, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, सही है जी। अब कंट्रोलर के अंदर आपका एक और मेथड बनेगा जिसमें हमारे पास होगा क्रिएट का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लगेगी क्यूरी। मेरे पास यहाँ पे एक और बनेगा जिसमें इसका काम है पब्लिक फंक्शन, और ये है क्रिएट, ठीक है, इस तरह, और रिटर्न व्यू कहाँ जाएगा, क्रिएट होने के बाद वो इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पैरामीटर रिसीव होंगे, बात समझ में आ रही है, अब यहाँ कोड होगा, पैरामीटर रिसीव कराऊंगी, कोड करूंगी, उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, सही है, बात समझ में आई। मैं यहाँ पे एक स्टोर का फंक्शन बनाया, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट चलता है ना, जब आप सबमिट करोगे तो स्टोर चलेगा, इसमें मैंने वैलिडेट करा है, ठीक है, तो वैलिडेट में क्या है, दिस डॉट वैलिडेट रिक्वेस्ट नेम टेक्स्ट, मतलब मैं यहाँ से ये वाले नेम उठा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास ये नेम है इसकी बात हो रही है, मैंने कहा कि वैलिडेशन चेक हो रही है कि रिक्वायर्ड था तो ये फिल हुए हैं या नहीं हुए, अगर ये वैलिडेट हुए हैं यानी ये रिक्वायर्ड इनके फिल हुए हैं यानी टेक्स्ट है, तो मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट टेबल के नाम से एक अपना वेरिएबल बना लिया, ठीक है, न्यू करके कॉन्टेक्ट क्लास मेरी कौन सी, ये मॉडल क्लास है, ठीक है। इसके अंदर जो ये कॉलम के नाम यहाँ दिए हुए ना, ये कॉलम की नेम कहाँ है, ये सही है। अब मैंने कहा रिक्वेस्ट में से जो गेट करा था मैंने नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, वो
रिक्वेस्ट करो टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ठीक है, और मैसेज टेक्स्ट, ये मेरे कॉलम के नाम है, ठीक है, जो यहाँ पे ये गिवन है। बेसिकली मैं इनको वैल्यूज पास कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कॉन्टेक्ट टेबल सेव कमांड चला दो, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होती है बनी हुई, सेव का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। मेरा पेज रीडायरेक्ट करके कहाँ चला जाएगा, होम पेज पे चला जाएगा, सही है, कहाँ चला जाएगा, होम पेज पे। इस वाले के ऊपर एक्शन में मैंने यहां लिखना है ब्लेड, मैं चेक करूं पहले तो आ रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं लिखूंगी URL ब्रैकेट, ये तो मेरे पास राउट चलाएगा कॉन्टेक्ट और स्टोर का, जब मैं सबमिट करूंगी तो मेरे पास ये चलेगा। और इससे होता ये है कि जितनी भी मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज है ना, ये फंक्शन मेरे पास इन फील्ड्स की वैल्यू को लेके जाता है, ठीक है, जो कि मेरे पास यहाँ रिक्वेस्ट से कॉल हो रही है, समझ में आई बात। एक्शन में ये डिफाइन कर दिया, मेथड मेरे पास पोस्ट है, ठीक है। अब हमें जो चलाना है वो यहाँ पे चलाना है, मैंने करा इसे सबमिट, ठीक है। मैं वापस रीडायरेक्ट होके होम पे आ गई और यहाँ पे गई कॉन्टैक्ट में, ठीक है, ये मेरे पास डाटा यहाँ चला गया, ठीक है, नो इंसर्ट की क्यूरी, सही। सिर्फ मैंने यहाँ क्या करा, वैलिडेशन चेक करिए, और वैलिडेशन ना भी चेक करो कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली ये लगा दो और सेफ की कमांड चला दो तो भी चल जाए। अब मैं ये कमेंट करके दिखा रही हूँ, वैलिडेशन मैंने क्या कर दी, यहाँ पे कमेंट कर दिए, सही है, सेफ करा इसको, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट अस पे आई मैं, ठीक है, आयशा और हेलो देन सबमिट, ठीक है, चला गया कॉन्टैक्ट, चला गया मेरे पास, ठीक है। सिर्फ लिखा क्या है, ये लिखा और सेव करा, ठीक है। यहाँ नहीं चेक होगा, वो वही वेब पेज पे चेक होगा, ये वैलिडेशन हम ये कर इसलिए रहते हैं कि वो इतनी डिफिकल्टीज तो है नहीं, ठीक है ना, तो हम इसलिए इसको वैलिडेशन कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे वापस खोल देती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, सही है। वैलिडेशन के लिए बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट इससे हो रहा है, इस सेफ की कमांड से इंसर्ट हो रहा है और कुछ नहीं। ASP.NET में हम लिखते थे इंसर्ट करते थे तो हम डेटाबेस सेफ चेंजेस भी करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सेफ चेंजेस वगैरह करने, सिर्फ मैंने यहाँ राउट पे जाके ये डिफाइन किया है कि राउट मेरा क्या है, कि मेरे पास ये मेरे उसका नाम है, किसका, कॉन्टेक्ट मॉडल की, मॉडल क्लास का स्टोर, ठीक है, मेरा पेज और मुझे स्टोर मेथड चलाना है। अगर मेरे पास कोई फाइल या अटैचमेंट होती तो मैं इंक टाइप करके जो लिखते हैं हम वहाँ पे मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा वो वहाँ पे हम मेंशन करते हैं। ये मेरे पास हो गया, सबमिट कर दिया, रिकॉर्ड मेरे पास चला गया डेटाबेस के अंदर।